एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मोदी जी एक ऐसे जनरल हैं जो मोटिवेट करते हैं। आपके सबसे बड़े जनरल मोहन भागवत जी हैं। देखिए हमारे तो मोदी जी हमारे मोदी जी हैं। नहीं मोहन भागवत आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। फील्ड मार्शल ने कैसे बोल दिया था सेना हटाओ। बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है। आजाद देश है ये। आरएसएस ने कैसे बोल दिया था सेना हटाओ। बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है। आजाद देश है ये। आरएसएस ने कैसे बोल दिया था सेना हटाओ। बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है। आजाद देश है ये। आरएसएस ने कैसे बोल दिया था सेना हटाओ। बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है। आजाद देश है ये। संघ का विचार एके मिश्रा, अब मुझे जरा ये समझाइए साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये राहुल गांधी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, इस रिपोर्ट से क्या हासिल होगा? जब आप अपने प्रवक्ताओं को बोलने की आजादी नहीं देते, आप रिपोर्ट में क्या उम्मीद करेंगे कि आपके नेता सही रिपोर्ट और फीडबैक देंगे आपको? चावला जी देखिए, मैं निष्पक्ष होकर बोलूं, और पिछले 2-2.5 साल से मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं और बातें यही होती थी। मैं हमेशा सचेत करता रहता था विपक्ष को, उस वक्त हो सकता है विपक्ष को बुरा लगता था। मेरा पहला सवाल है कि विपक्ष की कोई भी जो आत्मनिरीक्षण अभी कर रहे हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो या चाहे कांग्रेस हो, आप रिपोर्ट किससे मंगाएंगे साहब? बूथ लेवल से? आपके पास कितने बूथ लेवल के मैनेजर हैं, कितने कार्यकर्ता हैं? आपको ये रिपोर्ट आ जाएगी जिस लेवल की रिपोर्ट आप चाहते हो, वो रिपोर्ट आप कहां से मंगवाओगे? आपके पास रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी तो आपको कार्यकर्ता चाहिए। आप प्रदेश में आपकी इकाइयां नहीं है, आपके जिला अध्यक्ष नहीं है, इतना कमजोर आप लोगों ने कर दिया है। देखिए बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने इन विकास उकास की बातें आप छोड़ दीजिए, बीजेपी ने अपना विकास जबरदस्त तरीके से किया है, हर जगह ऑफिस बनाए, हर जगह। देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है ना कि अगर मैन पावर आपके साथ नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो ना आप रिपोर्ट मंगा पाएंगे, ना आप वोट मंगा पाएंगे, ना आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे। तो मुझे तो इसी चीज पे डाउट है कि रिपोर्ट आप किससे मंगवाएंगे और उस रिपोर्ट में क्या होगा। हर इन्होंने बोला हम हर बूथ से मंगवाएंगे। आप साहब मुझे बता दीजिए, विपक्ष के हर बूथ पे आपके पास आदमी है काम करने के लिए? अरे चुनाव में जब बूथ को मैनेज करने के लिए आपके पास आदमी नहीं थे, तो अब रिपोर्ट लाने के लिए कहां से आपको आदमी मिलेंगे? दीपक राय जी, ये सवाल तो वाजिब है साहब। फिर उसके बाद कुणाल कोहली और प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। ये लोग पन्ना प्रमुख बनाकर उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं कि भैया इतने वोट लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और आप लोग मजाक उड़ाते हैं उन्हीं पन्ना प्रमुखों का। और अब अपनी हालत देखिए साहब, तो सवाल तो उठता है ना, उनसे आप रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, वो रिपोर्ट कितनी सच्चाई के करीब होगी? यह भी तो बेईमानी है। ऑथेंटिकेटेड कितनी होगी? एक्यूरेट? एक्यूरेसी क्या होगी? ये जब आदमी ही नहीं तो कहां से? एक सेकंड बोलिए दीपक जी, जल्दी से प्लीज। एनसीपी अध्यक्ष कह रहे हैं, मुखिया कह रहे हैं कि सीखना है संघ से, सीखो। क्या सिखाते हैं आप लोग? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन विच इज आज की डेट में अगर आप देखेंगे इतनी पुरानी पार्टी, जो प्रज्ञा ठाकुर को सिखाया आप लोगों ने, देखिए साक्षी महाराज को सिखाया आप लोगों ने, अगर हम मुखिया को दिखाई दिया संघ का डिसिप्लिन, और ये मानते हैं सारे कि संघ का डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अच्छा, समझ आ गई है। जब लात मारी थी तब बयान याद नहीं आ रही? नहीं, जब एक सांसद ने विधायक को जूते से मारा था, तो पूरा डिसिप्लिन संघ में क्या सिखाया जाता है दिख गया है सर। ओके, एक मिनट प्लीज, जल्दी से फिर ब्रेक ले रहा हूं। देखिए मैं ये बोल रहा था, अभी कांग्रेस के या विपक्ष के लोग, देखिए हार्डकोर पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई वैर नहीं है साहब। आप बोल रहे हैं कैडर है जी, कैडर है साहब। जब कैडर थे तब ये हालत हो गई, और कैडर नहीं होंगे अगले 5 साल में तो क्या हालत होगी सर। मानिए इस चीज को कि आपको बॉटम लेवल पे गांव में शहरों में कैडर हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की, ग्रूम करने की, मजबूत करने की जरूरत है। यही एक कमी है और कोई नहीं है कमी। ठीक है, यानी ये कि 10 जनपद में सहमति रखता हूं, बट इसमें आई थिंक आपको ना मोटिवेट कौन करता है जी? आपका जनरल करता है। आपका जनरल वो मोटिवेट करेगा उस कैडर को उस नीचे लेवल पे। ठीक है, यानी ये कि 10 जनपद में सहमति रखता हूं, बट इसमें आई थिंक आपको ना मोटिवेट कौन करता है जी? आपका जनरल करता है। आपका जनरल वो मोटिवेट करेगा उस कैडर को उस नीचे लेवल पे। आज मोदी जी एक ऐसे जनरल हैं जो मोटिवेट करते हैं। आपके सबसे बड़े जनरल मोहन भागवत जी हैं। देखिए हमारे तो मोदी जी हैं।
आज मोदी जी एक ऐसे जनरल हैं जो मोटिवेट करते हैं। आपके सबसे बड़े जनरल मोहन भागवत जी हैं। देखिए हमारे तो मोदी जी, हमारे मोदी जी हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी का विरोध अभी क्लेम करी है, आप कैसे बोल रहे हैं इसको? जब उनका मन करेगा वो लड़ेंगे, वो आजाद है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आजाद है इस देश में इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई पार्टी आरएसएस के ऊपर आप क्यों आगे क्यों बोल रहे हैं? क्यों करें वो? क्यों करें वो? सेवा में विश्वास रखते हैं, अभी तो वो सेवा में विश्वास रखते हैं। आपको क्या है इलेक्शन में आगे क्या होगा? क्या कर लिया राहुल जी ने? क्या कर लिया राहुल जी ने? क्या कर लिया आप आगे कैसे बोल रहे हैं कि आइए क्या दिखाइए? सेवा कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं देश में। मान रखिए जो लोग सेवा करते हैं राजनीति बारे में कोई सेवा नहीं होगी। ओके मिश्रा जी पानी पीजिए, कोई सा पानी पीजिए एक सेकंड। आरएसएस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अरे इलेक्शन लड़ी जो फिर भी वहां तक पे बोल जाओगे। ओके एक सेकंड। अरे कुछ तभी से बात कर रहे हो सर, इसमें मैंने कौन सी? आप कह रहे हैं कि आरएसएस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट। कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है। आजाद देश है ये, आरएसएस ने कैसे बोल दिया था सेना हटाओ? बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है, आजाद देश है ये। आरएसएस ने कैसे बोल दिया था सेना हटाओ? बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है, आजाद देश है ये। जब कांग्रेस के लोग जब सिद्धू से बोलते हैं तब क्यों नहीं प्रचार करते? फर्क क्या है? पाकिस्तान की बात करते तब क्यों नहीं प्रचार करते आप? एक सेकंड ऑडियो नीचे एक सेकंड। मिश्रा जी प्लीज पानी पीजिए, अच्छा थोड़ा लगता है कोहली साहब, प्लीज आप, मैं आप ही की बात को कह देता हूं। आरएसएस से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, आपका कोई विचारक और कोई संघ का आदेश आप लोग नहीं मानते, ठीक है सर? आप ही की बात दोहरा, एक सेकंड वही पूछ लेता हूँ सर, एक सेकंड। संघ से आप कोई आदेश नहीं लेते, संघ को आप बोलते नहीं, संघ आपके लिए काम नहीं करता, संघ से आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई वैचारिक मेल नहीं है, बस ठीक है सर? मैं मान गया आपकी बात, यही है ना? वासी है, हर इस देशवासी का हक बनता है सर, विचार रखने के लिए। सर आप ही की बात तो मैं दोहरा रहा हूँ, ना माने वो एक पार्टी का अपना एक विचार है। ओके 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 मानते रिटर्न नहीं आता कि ये अच्छा मानते नहीं मानते। खूबसूरत शब्दों का मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं सर। कोहली साहब मानते नहीं मानते? ओके मानते नहीं, रिटर्न नहीं आता कि ये अच्छा मानते नहीं मानते। खूबसूरत शब्दों का मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं सर। कोहली साहब मानते नहीं मानते संघ का आदेश? उनके विचार मेल है, उनके विचार है, वो अपने विचार रख सकते हैं, इस देश का हर वासी रख सकता है। अच्छा अच्छा आप लोग संघ को बैन लगाओ, वैसे बीजेपी के लोग मानते हैं संघ के विचार बीजेपी के लिए आदेश है सर। संघ का विचार रख सकती है, अच्छी चीज है, बुरी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ रख सकती, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि संघ के विचार आरएसएस के विचार बीजेपी के लिए आदेश है। संघ का विचार रख सकती है, अच्छी चीज है, बुरी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ रख सकती, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि संघ के विचार आरएसएस के विचार बीजेपी के लिए आदेश है। ये क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस का विचार बीजेपी के लिए आदेश है। डिबेट में भी बदली है, ये सोच नहीं बदलेगी। मिश्रा जी ब्रेक ले रहा है, मिश्रा जी ब्रेक लेते हैं, एक सेकंड ब्रेक लेते हैं, ठीक है सर? अब वो जब बोल चुके हैं कि भैया हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, आप बीजेपी, अरे सर वो मना कर रहे हैं ना, आप बात खत्म करिए, एक सेकंड। ये क्या, ये इनके पास से लेटर आती है हमारे पास? अरे सर नहीं आता, नागपुर से नहीं आता। ओके ओके ये करना है। ओके ओके कोहली साहब मैंने आपकी बात ऊपर रखी है, रख सकता है कोहली साहब। बीजेपी इज ओपन डोर टू एवरीबॉडी इन दिस। ऑडियो नीचे ओके ब्रेक ले रहा हूँ। ओके सर ऑडियो सबका नीचे करिए। आप ही की बात को मैंने आगे कहा है कोहली साहब कि आप लोगों का आरएसएस से कोई लेना देना, ठीक है सर? आप ही की बात को मैंने आगे रखा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार अब आपको यह भी बता दें कि हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 18 सीट जीतने के बाद ममता बनर्जी को अपनी जमीन दरकती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में वो 2021 विधानसभा चुनाव से पहले अपने सभी कमजोरियों को दूर करके प्रशांत किशोर के साथ पार्टी को मजबूत करना चाह रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके डूबते हुए जहाज को बचा पाएगा। बीजेपी के साथ जनता है, और जिसके साथ जनता रहती है वहां पर 100 प्रशांत किशोर आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता। मिश्रा जी आप जरा आप समझाइए,
कि क्या कांग्रेस को वाकई में एक पीके की जरूरत है क्या? देखिए केवल कांग्रेस को नहीं और सब लोग, केवल पीके ही नहीं, अभी देखिए बीच बीच में फॉरेन के स्टीव जार्डिंग आए थे समाजवादी पार्टी के लिए, और उसके बाद ये कौन सा कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी बात चली थी, सारी पार्टियों के पास है चाहे वो बताएं या ना बताएं। और दूसरी चीज बात यहाँ पीके की है, देखिए मैं आपको बताऊं, नो डाउट पीके जो है सबसे पहले स्टार है यहाँ पे इस फील्ड की, और कई जगह वो जीते और हारे, लेकिन जितना ज्यादा लोग दिखाते हैं ना, मैं बंगाल के केस में बोलूं, बंगाल के केस में पीके बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अभी बता देता हूँ, बंगाल के केस में वो जो है ममता दीदी को डेंट लगना है, उसके पीछे रीजन है जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, और ममता दीदी और बंगाल दोनों के केस में फर्क है, प्रॉब्लम है हार्ट में, और आप जो है किसी और दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ एक दवाई सेम चीज की, हर जगह नहीं होती है। सवाल आप राइवल देखिए, बंगाल में दो, अब की बार बीजेपी का पूरा मिशन है कि बंगाल की जो गवर्नमेंट है उखाड़ के फेंकनी है, तो कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी इतना एग्रेसिव थी नहीं कि जो कि हराने पर लगी हो, सारी चीजें एक तरीके से वॉक ओवर मिला वहां पर, जब कंपटीशन जबरदस्त होगा। यही चीज बिहार में देखिए, लोग क्रेज देते हैं पीके को, लेकिन पीके ने जिसके लिए कैंपेनिंग की थी वो नंबर वन पोजीशन पे नहीं था, वो पार्टी नंबर दो पोजीशन पे थी, वो तो लालू प्रसाद का करिश्मा था जो दोनों मिले थे जिसके कारण ये रिजल्ट आ गया। खैर धन्यवाद मेहनत को, सारी चीजों को, अगर पीके के अंदर इतना करिश्मा होता तो ये कांग्रेस के अंदर मतलब मैदान छोड़ के भाग गए। पंजाब में कांग्रेस, आप देखिए पीके इतने निराश हो गए थे, और देखिए जब कंडीशन विपरीत है ना तभी तो आपको रखा जाता है। अब आज की डेट में कोई आकर के मोदी जी को बोल दे तो जब वो खुद स्ट्रांग है, जब बच्चा खुद टैलेंटेड है, आईक्यू बहुत अच्छा है, नहीं नहीं आप कोई मोदी जी को चुनाव लड़ना थोड़ा सिखाएगा। मेरा सवाल आप समझे ना, कि भैया मोदी जी को या अमित शाह को चुनाव लड़ना थोड़ा कोई सिखाएगा, सक्सेस डिपेंड, या फिर नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना सिखाएंगे या ममता बनर्जी को आप चुनाव लड़ना सिखाएंगे? सक्सेस डिपेंड करती है दो चीजों पे, पार्टी और कंसल्टेंट, दोनों का बराबर का एफर्ट होना चाहिए, कंसल्टेंट की एक्सपर्टाइज इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इतनी जबरदस्त एक्सपर्टाइज है तो पंजाब में जो है अमरिंदर सिंह ने मानने से मना कर दिया, मतलब क्रेज अपने आप को लिया कि कांग्रेस के इंटरनल के कारण हुआ, वो हार गए वहां पे, बिहार में दूसरे नंबर पे उनकी पार्टी है। एक सेकंड, इतना ज्यादा दीपक राय, तो दीपक ये बात कबूल क्यों नहीं करे? मैं वही बात तो सुनना चाह रहा था चावला जी, मैं लेकिन उसमें जल्दी से फिर उसके बाद कोहली साहब के पास। मैं विपक्ष के लिए बोलूंगा, स्पेशली कांग्रेस के लिए, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, जब इंदिरा गांधी हारी थी तो आज तो कांग्रेस के पास ऑफिस है, उनके पास ऑफिस भी नहीं था, छोटा सा सामान लेकर के जहां पे ये नया ऑफिस बना था कौन से जगह पे, दो तीन लोग गए थे, और इंदिरा गांधी जी ने वहां पे कांग्रेस की शुरुआत की थी, दो तीन लोगों को लेके की थी, मेज भी नहीं था, चेयर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सर जब। लेकिन अगर वो लेडी खड़ा कर सकती है, ये सारे टेम्पररी है सर, हार जीत चलता रहता है। देखिए चुनाव हार जाइए, लेकिन आप जिस लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं ना, वो लड़ने का जज्बा था जब नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी गई थी। मैं वही बोल रहा हूँ, चुनाव याद है प्रेम जी, ये वही शायद वाक्य का जिक्र कर रहे हैं सर, और जिसके आप लड़ने के लिए कदम तो आगे बढ़ाएंगे ना, अगर हथियार डाल लेंगे आप ये कहेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ओके आई एम रिजाइन, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, उसके बाद कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं ओके मैं जा रहा हूँ बाय टाटा। आप चुनाव हार जाइए लेकिन हिम्मत मत हारिए। तो सर आप जिस इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी इंदिरा गांधी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये आपकी वही पार्टी है सर। सर के कामराज ढूंढना चाहिए इनको, के कामराज ढूंढना चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं, अगर वो करेक्शन करें तो आइए पीके ढूंढ लेंगे, लेकिन के कामराज नहीं ढूंढ पाएंगे, क्यों दीपक जी? यही वजह है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके मैं कहता हूँ। तो पहले कहां थी पिछले 10 साल से? कोई आंसर नहीं है सर, छोड़िए ना सर, 2014 के पहले आप ही बताइए, क्यों झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के, झूठ बोलते हैं आप। एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, आप कैसे नहीं है, आप इधर के उधर नहीं है, एक सेकंड, आप झूठ बोल जाओगे,
आपको अपनी अपनी कुर्सी की बात रखना चाहिए। वो बात करिए जो नजर आए, समझ आए। कोहली साहब दिखाई दे, एके मिश्रा 2014 से पहले बोला, एके मिश्रा बोला, देख दीजिए, अरे देख दीजिए, हमने 2014 की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। एक सेकंड कोहली साहब प्लीज, प्रधानमंत्री बने, चलिए एक खबर दिखा दीजिए, एक खबर दिखाइए, खबर दिखाइए, ऐसे नहीं होगा। प्लीज प्लीज कोहली साहब, ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए, नो नो नो, ऑडियो नीचे करिए, सबका ऑडियो, सबका, दोनों का ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, खबर दिखाइए। यहाँ पर तेलंगाना में चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस के 18 विधायकों में से 12 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मिलकर टीआरएस में विलय की मांग की है। आपको बता दें, ये खबर हम आपको दिखाते हैं, जरा खबर दिखाइए, जहां पर इन विधायकों ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात करके विलय की मांग की है। सुनिए जरा, एक बात मुझे बताइए साहब, इनको आप श्योरिटी देंगे कि आप मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में जो है इनकी दीवारों को भेदेंगे? नहीं, आप यहाँ पर क्योंकि मजबूत कर रहे हैं, आपको अभी तरस आ रहा था ना, आप गारंटी दे दीजिए कि नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, हम लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को। मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बोलने कभी